पशुपति कुमार पारस हमारे साथ, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है जो कुछ भी बिहार में हो रहा है? पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हुआ, बिहार के लिए अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि बिहार में और केंद्र में एक पार्टी की सरकार थी, एक गठबंधन की सरकार थी, तो बिहार का काफ़ी विकास हो रहा था। और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई, ये मेरे समझ से बाहर की बात है कि गठबंधन को तोड़ना पड़ा। ऐसी नौबत नहीं थी कि भाजपा के लोगों ने अधिक विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री माना, फिर भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि ये डिसीजन उनको लेना पड़ा। खैर जो भी हो, लेकिन जो अभी घटनाएं घटी है, जो अखबार में टीवी में जो देखने का मौका मिला है, तो मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अभी जस्ट 1 घंटा पहले हम लोगों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं श्रीमती बीना देवी जी। बोर्ड की बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, और इसमें डिसीजन हुआ कि हम लोग 2014 में जब स्वर्गीय पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जीवित थे, तो उस समय 2014 में हम लोग NDA के पार्ट बने थे। पहले UPA गठबंधन में थे, फिर बाद में NDA में 2014 में गए, और उस समय से आज तक हम लोग NDA गठबंधन के पार्ट हैं और भविष्य में भी हम रहेंगे। चूँकि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प देश में, देश देखिए, देश आज़ादी के बाद पहला देश को प्रधानमंत्री मिला है, इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला। अभी जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उसमें आप BJP के निर्णय के साथ रहेंगे? हम तो बोल रहे हैं कि 2014 में हम BJP के साथ गए थे और आज भी हम हैं और रहेंगे। BJP का जो निर्णय होगा हम BJP के निर्णय के साथ रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कारण गिनाए जा रहे हैं, नीतीश क्यों नाराज हुए आप लोगों से? नाराज़ होने का तो मुझको कोई कारण नज़र नहीं आता है, लेकिन अब नाराज़ क्यों हुए ये तो अब नीतीश और से पूछिएगा। नाराज़गी का तो मुझको कोई कारण नज़र नहीं आता। रविकांत, ABP News, दिल्ली।